भारत बिजनेस अवार्ड्स कंडक्ट हो रहे हैं जो इंट्रा सीन अवार्ड्स हैं एंड ऑल्सो देर इज जस्ट सेलिब्रेटिंग ऑल द बिजनेसमैन जो इंडिया की अलग अलग जगहों से आए हैं. सो इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फेलिसिटेशन. इतने अलग बिजनेसमैन से मिलके अच्छा लगा. उनकी अचीवमेंट्स का ये एक आज जो एक सेलिब्रेशन है उसका एक हिस्सा होके बहुत खुशी महसूस हुई. एंड या इट्स बिन रियली रियली वंडरफुल. एंड सुधीर कुमार सर ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है. मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि लोग इतने वार्म और इतने इतना प्यार बरसाएंगे. बट ट्रूली इट्स बिन वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवनिंग्स फॉर मी टू सी सो मेनी हाई अचीविंग पीपल एक्चुअली enjoy my work and give me so much love for that. And मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि इनके एक important दिन पर मैं इसका हिस्सा बन पाई. So yeah, I mean I thank the sponsors Intra Life जिन्होंने ये conduct किया, बहुत ही खूबसूरती से conduct किया. And yeah, thank you all, thanks to all the media जो यहाँ पर आए हैं. India News ने इसे पूरी तरह से cover किया है. So it's been a really wonderful evening. Thank you all for the support. Thank you, thank you. और कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिला अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का, कुछ आइडिया लेने का, उनको अवार्ड दिया जा रहा है. पहले आप बताइए कि सब चीज़ें कैसे आपके माइंड में आई कि मुझे इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए. एक्चुअली सबसे पहले तो मैं खुद ही एक बिजनेस पर्सन हूँ. प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक जो उद्योजक जिसको हम लोग कहते हैं, उद्यमी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ना कुछ चीज़ें पता होती है. जैसे कि मानो उस जो भी बिजनेस है हमारा उसको बड़ा कैसे किया जा सकता है, उसको फंडिंग कहाँ से लानी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कैसे हम लोग रिटेन करें या फिर एम्प्लॉयज़ को किस तरह से हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं. कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बिज़नेस में करनी ज़रूरी होती है. ओनली प्रमोशन करने से आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा या फिर लोगों के पास वो जाएगा नहीं. सिर्फ प्रमोशन कोई चीज़ें नहीं होती है. तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया. फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि हम लोग फिल्म्स के साथ साथ या फिर ब्रांडिंग के साथ साथ या मीडिया के साथ साथ हम लोग अवार्ड शोज़ करते हैं, जिसमें शायद टफेस्ट टाइम में, जब आज की डेट में अगर हम लोग आज भी देखें तो कोविड के बाद आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई है. बहुत सारी चीज़ें अभी भी टफ चल रही है. तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलने के लिए, लोगों को उनके सक्सेस को और थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कोई को एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो शायद मैं मानता हूँ कि resell.in है. आज हम लोगों ने महाराष्ट्र में लगभग 22 से ज़्यादा अवार्ड शो किए हैं और सारे सक्सेसफुल किए हैं. आज भी आप लोगों ने देखा है कि ऑन टाइम और सक्सेस ये शो हुआ है, जिसमें तमन्ना मैम भी, उन्होंने बहुत सारा हमें सपोर्ट किया, सहयोग किया. और साथ में पूछना चाह रहा तमन्ना भाई जो आज के टाइम पे बॉलीवुड की सुपरस्टार है, सुपर एक्ट्रेस है, सर्व सुंदरी है, करने में आपको कैसा, मतलब कैसे आपने सोचा कि तमन्ना भाटिया को अवार्ड शो में आना है? जनरली हमने जैसे कई सारे जब भी कोई प्लान होता है, किसी शो का प्लान किया जाता है, तो उसमें कास्टिंग, जैसे कोई मूवी में या फिर किसी सीरियल में जब हम लोग कास्टिंग के बारे में सोचते हैं या कास्टिंग करते हैं, तो उस टाइम में ऐसे शो में भी एक चीज़ सोची जाती है कि यहाँ पर कौन चीफ गेस्ट होने चाहिए, जिनके हाथों अगर किसी को सम्मानित किया जाए, किसी को अगर सम्मान दिया जाए, तो उसकी एक वैल्यू भी बननी चाहिए, उसका एक वैल्यू होना चाहिए. अगर आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, आप ट्रॉफी दे रहे हो, तो एक पर्सनालिटी जो सामने है वो कौन है वो थोड़ा सा देखना चाहिए. आपको शायद पता नहीं होगा, तमन्ना मैम का ज्वेलरी ब्रांड है और तमन्ना मैम खुद एक बिजनेस वुमेन है, ऐसा जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे पता है. तो उनको ये फील है, उनको ये पता है कि यार बिज़नेस क्या, लोगों को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है. जो बिज़नेस पर्सन है, जो CEO है, फाउंडर है, जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो चाहता है कि बिज़नेस को बड़ी लेवल पे लेके जाना है, तो वो ये चीज़ को समझता है कि किस तरह से बिज़नेस करना चाहिए. तो तमन्ना मैम ऑलरेडी एक बिज़नेस वूमेन है, ऐसा एक चीज़ है. और उस कास्टिंग में हमने 3-4 नाम हमने डिसाइड किए थे, उसमें तमन्ना मैम टॉप पर थी और लोगों ने भी बहुत हमें प्यार दिया. लोगों ने भी जैसे हम लोग जब नॉमिनेशंस हमारे पास आ रहे थे, लगभग हमारे पास 14,000 नॉमिनेशन हम लोग रिसीव हुए हमारे पास, और 14,000 नॉमिनेशन में से हमने सिर्फ 50 लोगों को अवार्ड दिया है. आज मेरे ख्याल से 52 अवार्डीज़ थे तमन्ना मैम जिन्होंने उनको सम्मानित किया, और ये सारे के सारे भारत बिजनेस अवार्ड में पूरे भारत से आए हुए अवार्डीज़ हैं, बिजनेस पर्सनस हैं पूरे भारत से, अलग अलग स्टेट से वो लोग आए हैं. और आज
आपके माध्यम से मैं भी उनको ये बताना चाहूँगा कि भाई साहब बिज़नेस करते रहिए, पड़ाव बहुत सारे मिलते हैं, पड़ाव बहुत सारे आते हैं, हर एक के लाइफ में आते हैं, सेलिब्रिटी के लाइफ में आएंगे, प्रोड्यूसर के आएंगे, बिजनेस पर्सन के लाइफ में आएंगे, एम्प्लॉइज़ के लाइफ में आएंगे। एक चीज़ बस आपको करना है, आपके एम्प्लॉइज़ को इतना ज़्यादा प्यार दीजिए, इतना अच्छा उन लोगों के साथ आप रहिए, आपका बिज़नेस ना चकाचौंध पे लेके जाने के लिए ना कोई रोकेगा नहीं। मैंने 2019 में जब ये स्टार्ट किया था, मैं अकेला था, तब मैंने सारा अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किया था। आज मेरे पास इतना बड़ा टीम है और वो हर एक बंदा सुधीर के लेवल पे है। तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को उतना प्यार दीजिए, अपने एम्प्लॉइज़ को उनके बारे में सोचिए, उसके बाद ही आप अपने कंपनी को एक अच्छी लेवल पर लेके जा सकते हैं। और रुकना नहीं है, चाहे कोई भी पड़ाव आने दो, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, डरना भी नहीं है, लगे रहो, डटे रहो, कहीं ना कहीं एक दिन तुम लोगों को वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए वो बिज़नेस स्टार्ट किया। थैंक यू, ठीक, थैंक यू सो मच।